नरसिंहपुर जिला गाड़ावाला तहसील के अंतर्गत आप देख सकते हैं हम सीएम राय हाई सेकेंडरी स्कूल आए हुए हैं। यहाँ पर नगर परिषद के चुनाव हुए हैं, आज मतगणना कार्य यहाँ पर चालू होगा 9 बजे से। अभी मतगणना प्रशिक्षण भी आज तुरंत कर्मचारियों को दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पार्षद हैं और जिनको उनके साथ एक सदस्य है उसके लिए जाने की अनुमति है। मीडिया कर्मियों के लिए भी एक रूम बनाया गया है। पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर है। हम आपको बताते हैं यहाँ पर जो नायब तहसीलदार हैं श्री आगर डेरिया जी द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था करते हुए, प्रशासनिक व्यवस्था करते हुए निर्वाचन जो आयोग है उनके दिशा निर्देश में जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है उसको करते हुए आज मतगणना का कार्य जारी रहेगा। हम आपको बता दें नगर परिषद सांखेड़ा में 15 वार्ड है, 15 वार्ड में 1 वार्ड यहाँ पर जो निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए थे, अब 14 वार्डों का आज यहाँ पर प्रत्याशियों का जीत और हार का फैसला होगा। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में अब यहाँ पर भीड़ भाड़ जुड़ने लगी है, पार्षद भी आने लगे हैं जो लड़ रहे थे और नागरिक भी यहाँ पर आने लगे हैं, समर्थक भी आने लगे हैं। अंदर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सीएम राज हाई सेकेंडरी स्कूल के जहाँ पर मतगणना होनी है सारी व्यवस्था कर ली गई है। मैं सीएम राज हाई सेकेंडरी स्कूल से रिपोर्टर विनोद चौकसी। नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा तहसील में हम आपको बता दें सभी जगह नगर पालिका गाड़ावाड़ा, नगर परिषद साईखेड़ा, नगर परिषद चीचली, नगर परिषद सालीचौका में भाजपा प्रत्याशी बड़ी संख्या में जीते हैं। हम आपको बता दें लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते हुए एक दिन पहले ही व्यवस्था कर ली गई थी। 17 जुलाई सुबह 7 बजे से ही पुलिसकर्मी जो प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार श्री आकाश ढेरिया द्वारा नगर सांखेड़ा में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था। हम आपको बता दें नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत नगर पालिका गाड़ावाड़ा में ATM श्रेटी जयंत देशमुख के दिशा निर्देश के बाद हम आपको बता दें मतगणना पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नगर पालिका गाड़ावाड़ा में सम्पन्न हुई। बड़ी संख्या में यहाँ पर 23 वार्डों में 19 पार्षद आज भाजपा के जीते हैं। नगर परिषद साईखेड़ा में जो 14 वार्डों की आज मतगणना हुई थी उसमें 10 पार्षद भाजपा के जीते हैं। सालीचौका में 15 वार्डों में 10 भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। चीचली में भी भाजपा प्रत्याशी बड़ी संख्या में जीते हैं। सभी जगह भाजपा ने एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत की, जो एक बड़ी जीत लेना था उसने नरसिंहपुर जिला में लेके रखी है। हम आपको बता दें आज नरसिंहपुर जिला करेली नरसिंहपुर गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत आज मतगणना का दिन रहा। बड़ी संख्या में सभी राजनीतिक पार्टी के नेता मौजूद रहे, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के पार्टी के नेता हो, चाहे गाड़ावाड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता हो या निर्दलीय पार्टी के नेता हो, आम आदमी के पार्टी के नेता हो, सभी ने अपनी उपस्थिति दी थी। हम आपको बता दें निर्दलीय नगर सांखेड़ा में जीते हैं और गाड़ावाड़ा में एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए भाजपा ने 19 वार्डों में एक बड़ी जीत लेकर आई है। अब देखते हैं कि अध्यक्ष कौन बन पाता है, लेकिन जिला कलेक्टर रोहित सिंह के दिशा निर्देश के बाद पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव के दिशा निर्देश के बाद एक अच्छी व्यवस्थाओं में पुलिस व्यवस्था रही। ATM श्रेष्ठ जयंत देशमुख के दिशा निर्देश के बाद शांतिप्रिय चुनाव संपन्न हुए हैं। सभी गाड़ावाड़ा तहसील की जो नगर पालिका है गाड़ावाड़ा, सालीचौका, साईखेड़ा में तीनों जगह भाजपा की मजबूत पार्षद जीत के आए हैं। चीचली में बराबरी की स्थिति है। अब देखता है कि अध्यक्ष कौन बन पाता है।
मतदान पावर ऑफ कर देंगे, मशीन का पावर ऑफ कर देंगे और पत्रक वही रखना है आपको अपने पास। नगर पालिका गाढ़ावारा में आज मतगणना होने के बाद 23 पार्षदों में से 19 पार्षद आज भाजपा प्रत्याशी जीत गए हैं। उनके द्वारा अब लगातार अपने वार्डों में मेन रोड होते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। हम आपको बता दें, नगर पालिका गाढ़ावारा में ऐतिहासिक जीत भाजपा की हुई है। आज जो 23 वार्डों के जो मतगणना चुनाव थे उसमें 19 पार्षद सभी पार्षद मेन रोड से जाते हुए अपने वार्डों में सभी के प्रति नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। ढोलबाजों के साथ